मसला ऐसा हो गया कि हम सोए हुए थे, अचानक सूरज ऑपरेशन चल रहा था। सूरज ऑपरेशन के दौरान जब हम सोए थे अंदर घरों में, अचानक कोई बंदे आ गए, उन्हें अंदर घुसने की कोशिश की। हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं देते थे। अचानक फिर हमने कोई रास्ता निकाल दिया, उस मकान में हमने जय पना ले लिया। जय पना के दौरान जब हम उस मकान में पहुँचे तो अचानक आर्मी आ गई, उन्होंने ये मकान डैमेज कर दिया। ये हमारे दो यहाँ पे तीन मकान है, दो किचन, दो गौखाना है और एक आंगनवाड़ी सेंटर भी था, वो भी इसमें उन्होंने जला दिया। आज गो रोस क्यों तो गियर आशन पता कि क्या आसास ओड के आर्मी ओड के आर्मी फौज गियर कर आशन पाई कि असस पत यार दे जमीन आशन पता कि सुबस तान सुबस करिमो सही टासराय सुलेट आशन पाई इस बचे पान बाल बाल आज गो नुकसान सही। During this ordnance and search operations, a number of buildings are blown up by the armed forces. Either the building where the militants have taken shelter or even buildings around. The number of such cases have jumped by leaps and bounds over the last 4-5 years. जब ये आर्मी आया तो हमको ये पता है उस मकान के अंदर है, वहाँ गया, हमको 7 बजे यहाँ निकाल दिया। बस ये पता था हमारा घर में कोई मुजाहिद नहीं है, मिलिटेंट नहीं है, न कोई आसपास कोई भी नहीं है। दिया उस गेट के सामने पहुंचा दिया तो ये लड़का ले लिया उसने, अंदर से तलाशी हो गया तो हम तो वहाँ पहुंच गया। बस ये पता है यहाँ से फारिग हुआ, ये पता नहीं ये कहाँ से फारिग हुआ। मेरे ख्याल से उस टाइम 7:45 था जब वो यहाँ उसने मार दिया, यहाँ ये बाथरूम के सामने। अंदर कोई भी नहीं था, कोई मिलिटेंट अंदर नहीं था। और एक उसने किया है उसके बाद उसने कम से कम 11:45 बजे उसने ये महिला सब उसने पता नहीं कहाँ पाइप जोड़ दिया, पता ये हम तो उधर था, इसने ये सब जला दिया ये मकान। यमो कोर न अस छेड़छाड़ न मगर अंदरम गेट से यल त्रावान इम हर खसान नबर द्राई लाइट से मैं अथस कथ यमो कड़ हो मे हूँ मेन सड़क फायरिंग तरह बासो मैं यमो कर असे पे मगर सड़क से लाइट रोडस कहुद गर वोल शोत युद्ध नफर आव नालस युद्ध यम पांच माज कौर फसे अकिस कमरस मे फसो यहज फैमिली मं दोन दह बजे ते यद आंगनस मे पे मिनट यमो कड़स दच कस द्रे नबर यमो वो मे बहुत थोड़ हेकान वह कहें तो बचाओस इन कमरन दोन मज नमित तत वो मैं डिसमेंटल गोम सोरे अंदर बिस्तर दुबा जालिश क्या मे गो तशवीश यम बस सामने मारमित ये गई मे ब्या प्रॉब्लम पे बदरास ओर बपे आंगनस मज पत् कड़ो युद्ध बच ये दुप ती हर नजर हर दिम नजर दा ये कहें यह जनाब मोहतरम पोजिशन सवाद 1 बजे मे पे फैमिली सत रबि गो दार कमो नबर थमिशन मज ननवाड़े अक्स 8 वर्ष बची बेम बजे कौर ज लग भग 18-18 बेचे खानदार 45 इयर्स एज मदर से इन सत्य ये जन 80 अबव 85 तलील बचे हम शाम वक्त मे बच्चे तलीम याफ्त तम नबर कुन शाम टाइम द्रमित बाजर कुन वन हन तुम घर योर ये कारन गई तुम बचे गई पे अपरी कि बेस घर सुंद घर चय न पे कहें बह बच बाल बाल तम सा मुजाहिद तम द्रमित शहद खुद तम सह क्या नहन इम फौज हा मकान बचा तम चल नबर इमो ठुन मे मकान तबाह कर बे कर तम शहीद तम मुजाहिद सर गुन ये महल गार 14 तुम वो शहीद कत ग मौक वेरफिकेशन आई एम नॉट सेटिस्फाई बोज इम सू शहीद यमो कौर रिपोर्ट मुताबिक पत् कमो ब्लास्ट इस अच्छो वुचान छो गनपोटर ये मसल अगर वो वनान मिलिटेंट मे वो अगर मिलिटेंट ये शहीद कत ग तोतम 3 फुट In none of the cases is compensation paid, and I think this policy of not paying compensation fits in very well with government's muscular approach towards the Kashmir issue. And denial of compensation is a way of punishing them, because if you look at other areas also, you find
the same pattern emerged where whatever steps they take are meant actually to punish the civilian population. पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है मकान तामीर करने में लेकिन यहां पे आए लोग आते हैं एक मिनट में हमारे मकान में मकानों को तबाह कर देते हैं फिर कुछ भी नहीं पहनने के लिए यहां पे कपड़ा नहीं निकलता यहां से घंटस मंज आज 21 घंटस मंज मखलो ये सॉरी अश्रु बिल्कुल बेसहारा अछो कुछ मान से ये मकान मंज रानो टोटली हस घास तोल के हिन दरान सिर्फ वहां एक स्कूटर था वहां निकला और सबको ये मिले मेट किया इसको तो पता नहीं था हमारा जब उधर था ये नौ मकान था यहाँ चार गाय था अगर वो बोलते हैं हम गाय माता बचाता है वो भी ख़त्म कर दिया उस लुकने वो अभी मुलबा के नीचे है कल भी गए हम डीसी के पास तहसीलदार के पास पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या कितना दिन लगेगा यहाँ इतना बदबू है कोई अंदाजे हम यहाँ आता नहीं क्या ये पिंगलाना की बात होगी या किसी सोपर की बात होगी हमने जो भी आज तक सुना है देखा है कंट्रीब्यूटर्स ऑनली बाय द लोकल बॉडीज लोकल औकाफ लोकल बॉडीज एंड लोकल कमेटीज अभी जो हमें खाने पीने का इंतज़ाम है वो सभी लोकल बॉडी ने किया है बिस्तर जो भी मैटिंग वैटिंग कुछ भी रहा नहीं जो उनने यहाँ पर अभी हमें आर्जी तौर पर रहने के लिए यहाँ पर जो अभी क्वार्टर बना दिए ये भी सभी लोकल बॉडी ने बना दिए अगर कोई मतलब किसी जगह आसपास कोई आएगा ये 10 रुपया 20 रुपया देगा इसमें कोई क्या बनेगा 10 रुपये 20 रुपये में आजकल देखो मेरे घर में बच्चे था तीन बच्चे था तीन बच्चे के पास कम से कम 15-15 सूट था जो 20-20 सौ का है 2000 का है 15-15 सौ का है कुछ भी नहीं निकला इसमें मेरा बच्चे को कम से कम 30,000 का लैपटॉप था वो भी ख़त्म हो गया इसमें हमारा कोई जायदाद है वो सब ख़त्म हो गया ज़्यादा पूछने का क्या ज़रूरत है हम क्या बोलेगा तुम क्या सुनेगा बह नमाज पर्नवान मोहल सकिस पनस गस मे तुम दह रुपये दिवान यह वन जरूरत कहें दह सा दिवान यह मे रोजगार ओत पेट नम हमसायो बिचारो यमो अन बान खज अस द्रव बान तीन द्रे नंगे ये मे पानस लगित यूत यह द्रव मे मे गो सो मकान खत्म यह मे मल जन गारन थोमुत बन वन रूद यह प्रोन वन मोकलो यह मकान बहुत दपान बह कर तो कर क्या गोरमेंट मदद कर मगर आज नज पान कहीं ओर तुखन यूत म मगर मकान वाले पान कहीं हे मकान वोल ये बिचार हंग मंगस पे लिथान ये मकान वोल क्या कर बच्चे बिचारस यह मा गि गदई कर मा कर चूर यह मा कर तम काम ये गलत गवर्नमेंटस कोशिश कर बिचारस मा कुछ चीज सख्ती अना अमिश घर वात आव कहें तोर अजे नुम बान नुम हमसायो बिचारो वन यमो हमसायो वो तो नमगे वो बान अज गाव चाव गाव आज बचे यम सह मे अलग मे वो नमन हमसाय यहाँ मे दिए क्या बान दीता ग दुद पाव तसुम तो द्रा बहुत यथि हालत मे गमेंट अपील कर पे तरफ कर मे मद सो मे मली कर सो रोजगार दस मे बचन कर अवर वनक मोज अत दरित अगर तुत हिसाब आ मुमकिन असन कर्म तम तमव अगर बरदरी तम कंस मदद आर बहुत तुंद शुक्र गुजार यह गोस् वनस तमें योत रोजन महदूद यह गोस् करम तहदूद रोजन